ये सुमर पे बहुत अच्छे लगेंगे। मॉम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? नाम पूछा तुमने? नाम नहीं पूछा। भाई से बहुत फ्रेंक है, शायद भाई की दोस्त है। अब जाएं जाके मिल ले ड्राइंग रूम में। पता नहीं कौन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अम्मी ने परवरिश ही हमारी ऐसी की है, बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। बहुत खुश नसीब हो तुम के इतनी मजबूत और बहादुर वालदा मिली है तुम्हें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आ गए दोबारा, कोई बात करनी थी फोन ही कर लेते। नहीं आंटी, वो जो आपसे बात करनी थी वो फोन पर नहीं की जा सकती। बेटा तुम्हें नेहा बुला रही है। जी बोलो, तुमने माफी मांगनी थी, मांग ली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और कहने को क्या रह गया है? वो आंटी, आपसे सुंबुल का हाथ मांगने आया हूं मैं। सुंबुल का हाथ मांगने आया हो? बेटा ये तो नहीं हो सकता। सुंबुल और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ, तुम अपनी तरफ से शायद ये कह सकते हो, लेकिन सुंबुल की तरफ से तो नहीं कह सकते ये। नहीं नहीं आंटी, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उससे पूछ सकती हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुंबुल का रिश्ता कहीं तय किया हुआ है और वहीं शादी करेगी, तो ये सब भूल जाओ तुम। इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है, वो तो रिश्ता तोड़ सकती हैं। तुम कहोगे तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी? नहीं नहीं, मेरे कहने पे नहीं, अपनी बेटी की खुशी खातिर। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ अपनी बेटी की खुशी के लिए नहीं कर रही? देखिए आंटी, अगर आप चाहती हैं तो बेशक उसे यहाँ बुला लें, और अगर वो मेरे मुंह पे ये बात कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और वो आपके फैसले से खुश है, तो मैं कोई और सवाल नहीं पूछूंगा और चला जाऊंगा। तुम्हारे सवाल में मेरा जवाब काफी होना चाहिए था। आगे किसी से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए आंटी, या तो ये एकतरफा मोहब्बत की बात हो रही होती तो समझ में आती थी, अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने कहा मैं आपसे कोई और सवाल ना करता, लेकिन इस बार ये बात उसकी और मेरी। क्या बात है, मैं तुम्हें बात समझाती हूँ। तुम एक समझदार इंसान हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारी वालदा एक बहुत ही संभली हुई समझदार खातून है, तो मैं तुम्हें ये बात कहना चाहती हूँ, ये शादी नहीं हो सकती, और मेरे बच्चे जो है ना, जो भी मेरी मर्जी होती है ना उसी में खुश रहते हैं। अब आगे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना? जी ठीक है। अपनी वालदा को मेरा सलाम जरूर देना। नेहा, मैं आलियान की बात कर रहा हूँ, तुम सुंबुल का जिक्र कर रही। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको आलियान कैसा लगा है? ठीक ही लगता है बज़ाहिर, पढ़ा लिखा है, तमीज़दार है, और वैसे भी अम्मी का ताल्लुक अच्छे लोगों से रहा है हमेशा। पर क्यों? आसिम सुंबुल आलियान को पसंद करती है। क्या? नहीं, कैसे मतलब, कब और तुम्हें किसने बताया? मुझे सुंबुल ने खुद बताया कि वो आलियान को पसंद करती है, मगर वो बहुत परेशान है कि पता नहीं अम्मी मानेगी कि नहीं। नहीं, अम्मी क्यों नहीं मानेगी, उनके लिए हमारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है, मान जाएंगी। क्या आपको यकीन है इस बात पर कि अम्मी मान जाएंगी? दो मिनट में कॉल अटेंड कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम।
मामा उस लड़के को इतनी हिम्मत किसने दी कि वो मेरे सामने आके तुम्हारे बारे में बात करे? वो मामा वो मैंने मैंने कहा था तुमसे ये तवक्को नहीं थी सुंबुल। मामा किसी को पसंद करना बुरी बात तो नहीं है। ये घटिया आइडिया ना तुम्हारे जहन में इसी लड़के ने डाले होंगे। मामा आली में कोई बुराई नहीं है। लाख अच्छाई है उसमें, लेकिन तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किए खुर्रम के साथ, समझ रही हो ना तुम? मामा मामा प्लीज मेरी बात सुन। नहीं और कोई बहस नहीं होगी इस टॉपिक पे, तुम्हारी शादी होगी खुर्रम से और आइंदा उस लड़के को देखना भी मत, वरना मैं तुम्हारा जो हशर करूंगी ना बता नहीं सकती, समझ रही हो मेरी बात ना? नहीं मानने वाला मैं, और तुम्हें तुम्हें हां और नहीं की कश्मकश में रखकर मुंह के बल गिराऊंगा अलमास पे। हाँ सुंबुल बोलो। अली मुझे लगता है कि हम एक नहीं हो सकते। सुंबुल मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर पलट आया हूँ, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। मैं वापस आऊंगा। अली मम्मी जो फैसला कर लेती हैं वो कभी नहीं बदलती। अभी तो मोहब्बत के सफर में पहला कदम था और तुम अभी से डर गई। जितनी हिम्मत करके मैंने मम्मी से पहली दफा जिंदगी में बात की है ऐसा कभी नहीं किया मैंने। जिंदगी में जो कुछ भी नया होता है ना वो पहली बार ही होता है, और अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत में भरोसा है तो याद रखो कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जो मोहब्बत का सफर हमने साथ शुरू किया उसे साथ ही निभाएंगे। अली मैं तुम्हारे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकता। आप सुंबुल फैसला अब तुम्हारा है।